आधुनिक तकनीक एक तरफ वरदान साबित हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसका अंदाजा लगा पाना भी कठिन हो गया है। आपको बता दें कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके मनचाहे अधिकारी नेताओं के नंबरों का इस्तेमाल कर अधिकारियों को धमकाने वाले एक युवक को धार पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल धार जिले का राजपाल सिंह ने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और फिर मनचाहे नेताओं तथा अधिकारियों के नंबरों का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने के लिए अधिकारियों को फोन पर धमकाता था, मगर जब उसका पाला पुलिस से पड़ा तो धरा गया। आरोपी राजपाल सिंह ने जब एप्लीकेशन के माध्यम से धार एसपी के सरकारी नंबर का इस्तेमाल कर सागौर थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा को फोन लगाकर आदेश दिया कि मैं धार एसपी बोल रहा हूं, राजपाल सिंह ने के जो भी काम हो तो फोन पर ही कर देना। थाना प्रभारी को धार एसपी की आवाज को लेकर आशंका हुई तथा पुलिस इसकी जांच में लग गई और साइबर शाखा क्राइम ब्रांच के माध्यम से पुलिस फेक कॉल करने वाले राजपाल सिंह तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राजपाल सिंह पवार पीपलिया कुंवरसी का रहने वाला है तथा वह इंजीनियरिंग का छात्र है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पूरी घटना को लेकर धार एसपी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये जो फोन लगाते थे अधिकारियों के नाम से, कैसे आया ये ख्याल आपके मन में? सर वो एप्स, बहुत सारे एप्स देखे थे सर, फिर फेक कॉल में, तो सर वो यादला एप्स अच्छा लगा तो इससे मैंने ट्राई करा सर। क्यों लगाते थे, क्या मिलता था इससे? सर कुछ भी नहीं मिलता था सर, काम होते भी थे नहीं भी होते थे। कितने लोगों को अभी तक लगा चुके हो? 12-13 लोग को लगाए सर। कब से कर रहे हो? सर हो गए 5-6 महीने। कहाँ पर रहता हो? पिपलिया। अच्छा, कौन कौन सा अधिकारी और नेताओं के नाम यूज कर रहे हैं? एसपी साहब का और रमेश दादा का, बस जा और इनका ही। कैसे कहाँ तक पढ़ा हो आप? इंजीनियरिंग चल रही है। करियर के नाम से लोगों को पर्ची पाल करके काम करवाने की बात करने वाला है सागौर पुलिस के पास एक मामला आया है, जिसमें एक लड़का है राजपाल सिंह, उम्र 22 वर्ष, पीपलिया गांव थाना सागौर का ही रहने वाला है। इस लड़के की एक्चुअली ये लड़का क्या करता था कि फेक ये ऐप इसने एक डाउनलोड कर रखी थी, जिससे फेक कॉल करता था और वरिष्ठ अधिकारियों से के नाम से या कई राजनेताओं के नाम से फ़ोन लगाता था और फ़ोन लगा के अपने काम और दूसरे लोगों के काम निकलवाता था। इसके द्वारा कई ऑफिसर्स कई लोगों को फ़ोन करके जो है अलग अलग काम अलग अलग समय पर करवाए गए। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। सर ये लड़का या ये लड़का अभी थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदारी का काम करता है और अभी इससे पूछताछ जारी है और संभवतः और भी इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी खुलासा होगा। सर प्रथम दृष्टि कितने लोगों को उस टाइम से फोन किए? देखिए छोटे मोटे काम तो ये लगातार लोगों से कहता रहता था, परंतु जैसे कई नगर पालिका के काम, कई आरआई पटवारी से, सीएमओ को और अन्य भी अधिक बड़े अधिकारी से, कलेक्टर एसपी सभी से बातचीत करता रहता था और अभी करीब पिछले एक वर्ष से लगातार ही इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। क्या कार्रवाई? इसमें 420, 419, 468 ITI Act का मुकदमा कायम किया गया है और गिरफ्तार करके पुलिस आगे विवेचना करेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।